ईरान के इसराइल पर हमले के बाद से ईरानी प्रॉक्सी जश्न मना रहे हैं, उनका जोश हाई है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को लगने लगा है कि इसराइल की घेराबंदी करके न सिर्फ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन रोका जा सकता है बल्कि गाजा में भी युद्ध विराम की स्थिति बनाई जा सकती है। ईरान ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसके मुताबिक हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं और हजारों इसराइल की घेराबंदी करके हमलों की तैयारी कर रहे हैं, यानी इसराइल एक बड़े संकट में घिर चुका है। ईरान ने इसराइल को दहलाकर युद्ध का एक नया फ्रंट खोल दिया। बेंजामिन की बौखलाहट बढ़ने लगी है क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब हिजबुल्ला ने फिर से हुंकार भरी है कि इसराइल पर वो बड़ा हमला करके हिजबुल्ला की मौत का बदला लेकर रहेगा। ऐसे में इसराइल बड़े संकट में घिर गया है। एक तरफ उसने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है, दूसरी तरफ वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसे ईरान से बदला लेना है। जबकि गाजा में भी हमास लड़ाके हमले को तैयार है। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला की मदद करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके पहुंच रहे हैं। यमन से 30,000 लड़ाके ईरान, इराक, सीरिया होते हुए लेबनान भेजे जा रहे हैं, जबकि इराक से 35,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं और सीरिया से 30,000 लड़ाके लेबनान पहुंच चुके हैं। खुद हिजबुल्ला ने 1,00,000 लड़ाकों को इकट्ठा कर लिया है। PIJ हमास के 20,000 लड़ाकों को फिर से संगठित करने में जुटा है, जिससे एकजुट होकर इसराइल को दहलाया जा सके। दरअसल हिजबुल्ला का पूरा फोकस इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन रोकना है, किसी भी तरह से वो लेतानी नदी तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन के अलावा एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, जिससे लेबनान के लोग दहशत में हैं। वो लेबनान छोड़कर सीरिया भाग रहे हैं। इसराइल बेरूत के अलावा दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रहा है ताकि वहां से लोगों को खाली कर कब्जा कर सके और यहूदी कॉलोनियों का रीसेटलमेंट कर सके। उत्तरी बॉर्डर से लितानी नदी की दूरी करीब 29 किलोमीटर है। ताजा अपडेट के मुताबिक IDF फोर्स उत्तरी बॉर्डर पर पड़ने वाली ब्लू लाइन से 2 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है, यानी 2 किलोमीटर तक हिजबुल्ला लड़ाकों का पूरी तरह सफाया कर दिया है। इस तेजी से इजरायली सैनिक अगले 15 दिन में लितानी नदी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हिजबुल्ला की तैयारी को देखते हुए लगता है कि दक्षिणी लेबनान में भयंकर युद्ध हो सकता है क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गोलन हाइट्स के अलावा गाजा और उत्तरी बॉर्डर पर हमले कर सकती है।